हेलो, आई एम वैशाली। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी के ऊपर। एक छोटी सी फंडामेंटल थ्योरम है जो यूजुअली कभी एग्जाम में 5 मार्क्स तक की, 5 to 7 मार्क्स की मैक्स आ जाती है। 2 ही 3 स्टेप हैं, तो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरीके से, इफ मिक्स स्ट्रेटेजीज आर अलाउड दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ द गेम। अगर आपके गेम में मिक्स स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट अलाउ है तो वहां पे हमेशा एक वैल्यू ऑफ द गेम एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू बराबर हो जाएंगी और वो वैल्यू कहलाएगी आपकी वैल्यू ऑफ द गेम। ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं इसको प्रूफ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ जाता है। कभी कभी वो लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी के नाम से आपको दे देंगे क्वेश्चन में, या फिर कभी ये लोग सिर्फ एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से दे देंगे और कहेंगे कि आप इसको प्रूफ करिए। ओके, दे विल राइट इट लाइक दिस, टू शो गिवन दीज ऑल एंड given this all is given, this first statement is given to you and then this to prove। इस तरीके से आपको 7 मार्क्स तक दे सकते हैं, ठीक है। और कोई न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा देंगे 8 मार्क्स का, तो 7 + 8 हो गया आपका 15, तो आपका पूरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन गेम थ्योरी से बन जाएगा। इस तरीके से भी ये एक सपोर्टिंग क्वेश्चन की तरह आ जाता है, ठीक है ना। चलिए समझिए कंसेप्ट क्या दिया गया। हमें यहां दिया हुआ है सबमिशन एक्स आई, दैट मीन्स एक्स आई जो एक्स की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यूज है, वाई की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ एक्स आई और सबमिशन ऑफ वाई जे की वैल्यू अगर 1 है तो मैक्स मिन वी आई जे सारी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में और मिन मैक्स वी आई जे की वैल्यू बराबर होगी। अब देखते हैं ये हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि गेम थ्योरी के बारे में बात है, तो ऑब्वियसली आप समझते हो कि प्लेयर ए और प्लेयर बी, दो प्लेयर तो इन्वॉल्व होंगे तभी गेम स्टार्ट होगा। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है प्रूफ। प्रूफ में हमने लिखा है द प्लेयर ए इज द इक्वलेंट एलपी प्रॉब्लम। अब प्लेयर ए की जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एक्स वेरी कर रहा है 1 से लेके आगे तक, तो इस तरीके से हमने इससे एक एलपी प्रॉब्लम बना दी प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में। प्लेयर ए की जो एलपी प्रॉब्लम हम बना रहे हैं उसमें हमने लिखा है एक्स जीरो, जिसमें एक्स वेरी कर रहा है 1 से लेके xm। तो ये सारे क्या हो गए, डिसीजन वेरिएबल जो उसने यहां शो किए थे एक्स, तो हमने उनको डिसीजन वेरिएबल मान लिया, ठीक है ना। अब डिसीजन वेरिएबल के लिए हमने इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट का इंडिविजुअल इक्वेशंस बना दी, ठीक है ना। सो ये क्या होंगी, ये आपकी सेल की वैल्यूज होंगी। ओके, आप समझ रहे हो ना। इन वीडियोस को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख। अब इस तरीके से हम आउटकम्स वाली वैल्यू जो लिखते थे सेल की, वो यहां लिखी गई है, जो कि हमने बना दिया है कोफिशियंट कंस्ट्रेंट के फॉर्म में, ठीक है ना। ये कोफिशियंट बन गया किसका, एक्स वन का, सो v11 प्लस v21 x2 प्लस सो ऑन vm1 xm ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि वैल्यू एक्स और वाई की इस तरीके से है कि वो पॉजिटिव है और 1 के बराबर ली गई है, तो हमने यहां पे 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए 1 1 है, 2 1 है, इस तरीके से m1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 n। ओके, अब यहां पे m2 m1 है, तो m2 सो ऑन mn। इस तरीके से ये पूरा मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना दिया गया कि इन वैल्यूज को, कंस्ट्रेंट को हम लें तो हमारी एक ए के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी, पे ऑफ मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, ये इस तरीके से सेल के अंदर की वैल्यूज यहां लिख दी गई है। ओके, एंड x1 से लेके xm तक आर पॉजिटिव एंड दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा है। तो ये हमने प्लेयर ए की जो वैल्यूज थी उनको एलपी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने लिखा है द डुअल प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू द अबव प्राइमल इज। अगर हम उस एलपी को प्राइमल लेके चले, प्लेयर ए की जो एलपी प्रॉब्लम थी, अगर हम उसको माने कि वो एक एलपी प्रॉब्लम है और प्राइमल फॉर्म में है, तो हम उसकी डुअल लिख सकते हैं और जो डुअल आने वाली वैल्यू होगी हम वो मान लेंगे किसके लिए, प्लेयर बी के लिए। और वैसे भी आपको पता है कि पे ऑफ मैट्रिक्स अगर प्लेयर ए के लिए दी हो तो हम प्लेयर बी के लिए आराम से निकाल सकते हैं सारे पॉजिटिव को नेगेटिव मींस साइन को रिवर्स करके। इसी तरीके से गिवन एलपी प्रॉब्लम का हमें डुअल प्रॉब्लम लिखना है। डुअल के लिए देखो मिनिमम फॉर्म था तो मैक्स हो गया, वेरिएबल चेंज होगा, एक्स जीरो था तो हमने वाई जीरो ले लिया, वाई वन से लेके एम तक था तो वाई एन तक वर्क करेगा। अब जो वैल्यूज ऐसे थी, मैंने आपको बताया था जो रोज थी ए के लिए वो कॉलम बन जाएंगी बी के लिए, तो v11 मैंने आपको बताया अभी v12 था, तो यहां क्या हो जाएगा v21 यहां आ जाएगा, 12 कॉलम में था तो रो में चला जाएगा। इसी तरीके से 2-1, 2-1, 3-1, so on m1। ओके, ये देख लीजिए
1121M1, 112131M1, तो ये रो था, क्या बन जाएगा? कॉलम। आई होप आपको प्राइमल को ड्यूअल में कन्वर्ट करने का वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। तो जो वहां रो बनी थी वो यहाँ कॉलम बन गई है। Y1 की कोफिशियंट्स आपने लिख दिए, इसी तरीके से सारे कोफिशियंट्स की वैल्यूज कंस्ट्रेंट में लिख दी गई है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, V11 Y1, V12 Y2, सो ऑन V1n Yn, सबसे आखिरी वाली बनेगी VM1 Y1, VM2 Y2, VM3 Y3, VMN Yn <1> और Y1 की वैल्यू Yn तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमने प्राइमल लिख दिया उस प्रीवियस, ये हमने ड्यूअल लिखा है गिवन प्राइमल प्रॉब्लम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द ड्यूअलिटी थ्योरम स्टेट्स, ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ आइदर द प्राइमल और द ड्यूअल प्राइमल हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या तो प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइनाइट हो या ड्यूअल का सॉल्यूशन फाइनाइट हो, देन द अदर प्रॉब्लम ऑल्सो हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आपकी दी हुई प्राइमल प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पजस करती है तो आपकी मिलने वाली ड्यूअल प्रॉब्लम भी एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ही ऑब्टेन करेगी, एंड द ऑप्टिमम न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर इक्वल, और उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होंगी, मतलब कि जो जेड की आने वाली न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो क्या होंगी, दोनों सॉल्यूशंस की इक्वल होंगी। इसका मतलब मैक्स ऑफ Y0 की वैल्यू मिन ऑफ X0 के बराबर होगी Z की वैल्यू, और Z इधर आप ZX और इधर आप ZY ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर मैं वैल्यू लूं कि इसकी मैक्स है तो V में अपर बार और इधर V में बार नीचे, मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू बराबर है, तो उसको एक वैल्यू V से दिखा दी गई है। यही आपकी वैल्यू ऑफ द गेम है और यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी कहती है कि इफ मिक्स स्ट्रेटेजीज आर अलाउड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम दैट मीन्स विच इज इक्वल फॉर बोथ द प्लेयर विच इज इक्वल्स टू वी, एंड दैट इज नन अदर देन द सेडल पॉइंट एग्जिस्ट इन द गेम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ इनको शेयर करें, और ऑपरेशन रिसर्च में प्लीज हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएं, और अपने मार्क्स एग्जाम के बाद जरूर कमेंट के द्वारा मुझे बताएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मेरे भी आपके साथ एग्जाम है और आई एम आल्सो वर्किंग विथ यू, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और आप लोग कहां तक पहुंच पा रहे हैं इन वीडियोस के जरिए। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, गुड लक।